फाइनली वैक्सीन लग गया, देख सकता है थोड़ा सा खून निकल रहा था तो इसीलिए चिपका दिया उसका में, तेरे में खून निकला था ना? उसका हल्का सा निकला था बस, तो मेरे को लगा दिया, ठीक है घर जाके इसको निकाल लेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिनी ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, खुश होंगे। और आज है 29th of May सैटरडे, वेदर काफ़ी क्या बोलूँ उमस वाला है, ह्यूमिड है और काफ़ी गर्मी है। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपना कोविड का पहला वैक्सीनेशन डोज लेने, कोविशील्ड, लोयला स्कूल में। और टाटा स्टील ये खुद कंडक्ट करवा रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो मैं और सरोज जा रहे हैं अपना पहला वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट करने, बाकी बहुतों का हो चुका है। और प्रदीप, प्रशांत, दीपन, आकाश, रुद्रो और भी बहुत से फ्रेंड हैं जो कि पॉजिटिव हो चुके थे, तो उन्हें अब 90 डेज़ बाद ही ये डोज मिलेगा कोविशील्ड का। और बाकी बहुतों ने तो अपॉइंटमेंट लेके अपना ये वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट कर लिया है, बस हम ही बच गए थे। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे। सो जाने से पहले आप कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ज़रूर रख लें अपने साथ में। सबसे पहले तो ये आधार कार्ड, दूसरा अपना मेडिकल बुक और तीसरा ये RFID कार्ड टाटा स्टील का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कभी नहीं भूलनी चाहिए वो है ये पेन, क्योंकि पेन आपको कोई भी नहीं देने वाला वहाँ पर। आइए चलते हैं, अब इन सब चीज़ों को पैक करके निकलते हैं। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ अब सरोज के साथ हूँ और हम निकल रहे हैं लॉयला स्कूल के लिए सरोज की ही कार में। और सरोज, आप कुछ कहना चाहेंगे इस वैक्सीनेशन के बारे में? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई वैक्सीन सब कोई ले लो, ठीक है, जितना जल्दी हो सके ले लो क्योंकि ये सेफ है। ये नहीं बोलेंगे कि आप वैक्सीन लगा लेंगे तो आपको कोविड नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मैं इतना दिन से जितना फेसबुक या सोशल मीडिया या डॉक्टर का कुछ भी स्पीच मैं सुना हूँ तो एक ही बात बोला है कि वैक्सीन लेने के बाद कोविड का इफेक्ट उतना ज़्यादा होता नहीं है। इफेक्ट करेगा लेकिन सीरियस नहीं होगा, जो इतना दिन तक पैंडेमिक में हालत हुआ, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रहा था, सीरियस केसेस हो रहा था, ये चीज़ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सबको वैक्सीन ले लेना चाहिए और हम दोनों भी आज जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए लॉयला स्कूल में। यहाँ पर टाटा स्टील का एम्प्लॉई और उनके घर वालों के लिए ही दिया जा रहा है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं लॉयला स्कूल। और चलिए मिलते हैं आपको अब लॉयला स्कूल में ही, और आपको इसके बाद बताएंगे कि इसके बाद हम क्या फील करने वाले हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, जो हमने सुना हुआ है। हाँ, वैक्सीन का थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, मैंने मेरा फ्रेंड जो लोग लिया है उन लोगों से बात करके भी देखा है कि बुखार आता है, बदन दर्द देता है, तो देखते हैं हम लोग भी कैसा फील करते हैं, वो चीज़ भी आपको बता देंगे कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे, आप तब तक रास्ते को एंजॉय कीजिए। फाइनली वैक्सीन लग गया, देख सकता है थोड़ा सा खून निकल रहा था तो इसीलिए चिपका दिया उसका में, तेरे में खून निकला था ना? उसका हल्का सा निकला था बस, तो मेरे को लगा दिया, ठीक है घर जाके इसको निकाल लेंगे। तो फील कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल टिटवेक जैसे लेते हैं उसी टाइप का टिटनेस टाइप का लगा थोड़ा सा, और टाइम भी बहुत कम लगा हमें। नहीं, हाँ हम लोग जस्ट 10-15 मिनट में हम लोग का हो गया। एक बस फॉर्म भरना था, फॉर्म आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है, ये वाला फॉर्म आपको भरना है वहाँ जाके, और उसके बाद आपको वेरीफाई कराना होगा अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब। और टाटा स्टील एम्प्लॉय के लिए RFID को वहाँ पर स्क्रैच करना होगा, जिसके जरिए आपका डिपार्टमेंट या टाटा स्टील का ये में
आप मतलब कि पता चल जाएगा कि आप वैक्सीन लिए हैं, और ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो वैक्सीन का यही तक था, उसके बाद 20 मिनट वैक्सीन लगाने के बाद 20 मिनट आपको वहां पर वेट करने बोलेगा, क्योंकि अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है आपको तुरंत अगर होता है तो आप कंसर्न कर सकते हैं, डॉक्टर बैठे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत आपको बुखार फील हो सकता है रात में, और हेडेक, पेन या बॉडी पेन जो भी बोले। सो देखते हैं अब क्या हमें फील होता है थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अगले जब जाएंगे सेकंड वाला डोज लेने, जो कि अराउंड कितने दिन बाद मिलेगा हमें? सेकंड वाला डोज 12 टू 16 वीक्स के बाद होता है। एक बात जो है, एक्चुअली यहां पर टाटा स्टील का कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो ऑडिटोरियम के अंदर में जहां पर वैक्सीन ले रहे थे वहां पर कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो इसीलिए अंदर का कुछ भी चीज हम लोग नहीं दिखा रहे, बस जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पे बहुत लोग फोटो खींच के उसको शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, लेकिन उसके लिए आपको गांव जाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए गांव में वैक्सीन लेना होगा, हिमाद्री की तरह आपको गांव जाना पड़ सकता है। यहाँ पर सीधा रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ फोटो नहीं ले सकते हम लोग, जो हम लोग को फॉर्म दिया था उसका फोटो हम बाहर में ही ले चुके थे, इसीलिए उसका फोटो हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ, वरना दूसरा कोई फोटो अंदर का हम लोग शेयर नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ अब हम लोग एंड करते हैं इस ब्लॉग को, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। सो अगले ब्लॉग कहाँ, अभी एंड कहाँ, अभी इफेक्ट भी बताना है कि दो दिन बाद कैसा, वो बताया जाएगा। अच्छा। वो अगले ब्लॉग में बताया, अगले वीक वाले ब्लॉग। अच्छा, अगले वीक वाले ब्लॉग में, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और सेफ रहें, फैमिली के साथ घर पे रहें और इंजॉय कीजिए। चलिए बाय बाय बाय, और वैक्सीन लगा लीजिए, ठीक है। ओके।